इसी तरह करते हैं एसएमएस अस्पताल का। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मजेलाल शर्मा के पिताजी भी एडमिट हैं एसएमएस अस्पताल में। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर को भी आप देख सकते हैं, मौजूद है एसएमएस अस्पताल में। अस्पताल में मुख्यमंत्री हालत अब स्टेबल है और उनका जो है जो भी फ्लूइड्स को उनको ड्रेन आउट कर रहे हैं, पर है स्टेबल। उम्र भी 81-82 इयर्स की है, तो थोड़ा अपने इम्यूनिटी भी लो होती है। और देवनानी जी की मिसेज भी अब, कल तो थोड़ा हमें घबराहट हो गई थी, वेंटिलेटर पे लिया था, अब उनकी भी हालत स्थिर है बिल्कुल। हैं अभी देखो, एक दो दिन, तीन दिन तो वो है ही, मुझे ये लग रहा है। बाकी तो डॉक्टर्स जाने, डे टू डे प्रोग्रेस पे होता है कि डेली असेसमेंट होता है क्या प्रोग्रेस है, बट हम सब प्रार्थना करते हैं कि दोनों जो हैं जल्दी स्वस्थ होते हैं। मुलाकात की आपने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताश्री बाथरूम में स्लिप होने के कारण उनकी पसलियों में चोट है और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टरों का कहना है कि खतरे से बाहर हैं और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी की पत्नी भी यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, उनकी भी हालत अब ठीक है और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि दोनों जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर मीडिया से बातचीत करते उन्होंने जानकारी दी कि अब हालत स्थिर है। वासुदेव देवरानी की पत्नी को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही बता दें आपको, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता भी घर पर गिरने की वजह से उनकी पसलियों में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया। उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कहना यही है कि उनके पिता किशन स्वरूप की हालत अभी स्थिर है, एक दो दिन और निगरानी में रखा जाएगा और इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये जानकारी दी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने। अब उनसे मिलने के लिए, उनसे की कुशलक्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर और जवाहर सिंह बेड़म भी मौजूद हैं एसएमएस अस्पताल में। यह अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। भरतपुर स्थित निजी आवास पर गिरने से चोटिल हुए किशन स्वरूप शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिताजी हैं, और उन्हें देखने ही, उनकी कुशलक्षेम जानने ही एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। निज आवास भरतपुर में गिरने की वजह से वो चोटिल हुए, उनकी पसलियों में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल लाया गया जहां उनकी जांच की गई। और इसे लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने भी जानकारी दी कि उनकी हालत अभी स्थिर है, ट्रीटमेंट उनका जारी है। और सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या अपडेट है इसे लेकर? मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं एसएमएस अस्पताल। जी बिल्कुल, देखिए 20 मिनट तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पिताजी किशन स्वरूप की कुशलक्षेम पूछी है। सुबह उनका भरतपुर स्थित जो निवास है वहां पर बाथरूम के गिरने से पसलियों में चोट आई थी। देखिए, पसलियों की चोट लगी थी और बताया जा रहा है कि 80-81 वर्ष की उम्र के हैं, तो पसलियों की चोट के कारण उनको यहाँ रेफर किया गया है और मेडिकल आईसीयू में इस समय वो भर्ती हैं। देखिए, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर और गृह राज्य मंत्री बेड़म ने भी उनकी कुशलक्षेम पूछी है और बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि चोट है इसलिए 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में कम से कम यहाँ रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। पसलियों की चोट है, उम्र काफी ज्यादा है, इसलिए ऑब्जर्वेशन में अगले 3 दिन तक रखा जाएगा जी। और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे उसके थोड़ी देर बाद ही उनकी धर्मपत्नी भी अपने ससुर जी की कुशलक्षेम पूछने यहाँ पहुंची और अभी 20 मिनट तक
पिताजी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पत्नी सहित रवाना हो गए हैं और डॉक्टरों से बातचीत करिए, मेडिकल टीम को भी उनके साथ थी। देखिए अस्पताल अधीक्षक से करीब 7 डॉक्टरों की टीम थी जो अंदर मौजूद थी और मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत करी है कि किस तरह की चोट है और कितने दिन लगेंगे। तो डॉक्टरों ने कहा है कि अभी ऑब्जर्वेशन में यहाँ रखा जाएगा, 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आगे का बुलेटिन जारी होगा कि किस तरीके से क्या करना है, लेकिन फिलहाल उनको यहाँ मेडिकल आईसीयू में भर्ती करा रखा है और इलाज जारी है। ताकि उनकी पसलियों में चोट लगी, देखिए उम्र ज्यादा होने के कारण अभी स्टेबल है कंडीशन, लेकिन डॉक्टर ये कह रहे हैं और चिकित्सा मंत्री ने भी ये कहा कि 3 दिन देखेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि चोट कितनी गहरी है। बिल्कुल विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।